हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के हिंदी के पेपर जो है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, जो हिंदी का पेपर था उसमें टोटल 28 क्वेश्चन आए थे और प्रिंटेड पेज 8 थे और 3 आवर का पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स 100 थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पास कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पास दिया गया है पहला कि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर दूसरे में दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा और एक क्वेश्चन में 5 उसमें क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। फिर तीसरे में दिया है 6 से 16 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 2-2 नंबर के हैं और उनमें लगभग 30 शब्दों तक लिखना है। क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा भी लिख देते हैं, इसके कारण उनका टाइम वेस्ट होता है, तो जितना हो सके जितना बोला गया है उतना ही लिखें। फिर प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, नहीं चौथे उसमें पॉइंट में दिया है 17 से 19 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3-3 अंक दिए गए हैं, जिनकी शब्द सीमा दी गई है 30 से 75 शब्दों तक। और फिर प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक 4-4 अंक के क्वेश्चन हैं और इनमें 120 शब्दों तक लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 26 से 27 के लिए 5-5 अंक हैं और इनमें 150 शब्दों तक लिखना है। इससे कम नहीं लिखेंगे, हिंदी में वैसे नंबर कट जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से बना के मतलब राइटिंग से लिखेंगे शुद्ध तो नंबर पूरे मिलते हैं। और प्रश्न क्रमांक 28 के लिए 10 अंक, 7 नंबर में आपका वो निबंध रहेगा और 3 नंबर में वो रूपरेखा रहेगी आपकी। इन शब्द सीमा लगभग 250 होगी। तो दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चनों में लगभग टिक लगा हुआ है, कुछ क्वेश्चनों में नहीं लगा होगा, तो आप अपनी बुक से उस क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। क्या मेरे पास अभी क्वेश्चन के आंसर नहीं है, मुझे कमेंट पर भी बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मेरे कोई क्वेश्चन गलत हो, किसी में डाउट हो, तो कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, आप इसको अपनी बुक से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत फ़ायदा होता है। क्या होता है कि आगे जो है कुछ है, जब भी कभी बोर्ड एग्ज़ाम आप देंगे, अभी मान लीजिए इस साल अगर 12th में आप जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे पहले से कि किस तरह के पेपर का टाइप होता है, किससे पेपर आता है, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो के नीचे के लाल बटन को हिट करना है और घंटी के बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले किसी भी वीडियो की। मैं इस वीडियो के बाद और भी वीडियो डालूँगी, जैसे केमिस्ट्री का भी पेपर होगा, उसका वीडियो होगा और 10th के क्वेश्चन पेपर होंगे, 11th के भी क्वेश्चन पेपर होंगे। तो इन सब के लिए को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में अगर आप इस वीडियो के बारे में जो भी सोचते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन जितने भी हैं और उन्हें अपनी बुक से क्वेश्चन के आंसर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।